तो गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज मैं थोड़ी सी लेट अराउंड 5 बजे के आसपास उठा, लेकिन उसके बाद से एडिटिंग करने बैठ गया। थोड़ी देर रॉगी के साथ खेला, फिर एडिटिंग करने बैठ गया और अभी एडिटिंग कंप्लीट कर ली है। कितना बज रहा है? ऑलमोस्ट 8 बज रहा है। दे रहा हूँ और रॉगी को मैं खिला रहा हूँ ब्रेड। इसीलिए भाई साहब थोड़े से नाराज है कि भैया पहले मेरे को खाना खिलाओ, ये सब शूट वूट बाद में करना। भूखा है बेचारा। मैंने ना सुबह उठ के इसको बॉइल्ड एग तो खिला दिया था, क्योंकि जब मैं उठता हूँ तो ये भी उठ जाता है, लेकिन अभी फिर से कुछ कुछ मांग रहा था। डॉग फूड दिया इसको, लेकिन ये डॉग फूड खाता ही नहीं कभी कभी, तो फिर इसको दूसरी चीजें देनी पड़ जाती है। दे रहा हूँ। ये लो ब्रेड खाओगे और पानी में डिप करके देता हूँ मैं ब्रेड इसको। ओहो कैमरे का सुपर व्यू ऑन है, रुको मैं चेंज करता हूँ। अभी सही है? हाँ अभी सही होगा। तो मैं कल बता रहा था कि मैंने अपना GoPro का माइक एडाप्टर मंगवाया है, वो इस ओलांजी केज पे लगा लिया है। मैं कल अपने दूसरे वाले रेड वाले हेलमेट पे ट्राई कर रहा था, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। माइक मेरा जो है वो कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैंने दूसरा माइक भी ऑर्डर किया हुआ था एडवांस में, तो वो जब आएगा तब उस हेलमेट पे लगाएंगे। लेकिन मेरे को चुल थी, इसलिए मैंने इस वाले हेलमेट को निकाला और इसमें यह सेटअप किया। इसमें सब कुछ तो सही है, लेकिन थोड़ी सी हाई स्पीड पे डिस्टरबेंस दे रहा है ये हेलमेट। तो मैं सोच रहा हूँ अभी थोड़ा सा वक्त है, आधे घंटे का टाइम है, थोड़ा सा देख लेता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, और टाइम रहता है तो थोड़ी टेस्ट भी कर लूँगा एक राउंड बाइक निकाल करके। तो लेट्स सी क्या होता है, वरना तो जो नया माइक आएगा 2 दिन के अंदर आ जाएगा अपने ट्रिप पे जाने से पहले, उस माइक को लगा देंगे, तब तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। गुड मॉर्निंग शिल्पी। क्या हो रहा है? एज यूजुअल नाश्ता बन रहा है। नाश्ता नहीं, लंच बन रहा है। आज तुम्हारी नींद पूरी होगी, आज ही मैंने तुम्हें जल्दी उठा दिया। तुम्हारी इस सरकास्टिक स्माइल के पीछे कुछ तो है। आज मैं कितने बजे? 5 बजे उठी थी। साथ में हम लोग साथ में उठे आज 5 बजे। हाँ। तो कोई बात नहीं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। भिंडी की सब्जी बना रही हो तुम? चलो सही है, ठीक है बनाओ, मैं थोड़ा सा काम करना है मेरे को, मैं वो काम कर लेता हूँ। ओके तो गाइज मैंने माइक का सेटअप करके देखा, राइड पे भी गए थे अभी बाइक को लेकर के, लेकिन अभी भी विंड ब्लास्ट आ रहा है। मेरा जो आरी का हेलमेट है वो मोटोक्रॉस हेलमेट है, इस वजह से विंड ब्लास्ट आ रहा है। तो अब कुछ नहीं कर सकते, अब अपने जो नया माइक मैंने ऑर्डर किया है उसका वेट करते हैं और उस माइक को सेटअप करेंगे अपने स्टडल वाले ब्लैक और रेड हेलमेट में। तो अभी बस मैं ब्रेकफास्ट करके निकलूंगा ऑफिस। टाइम पे तो हूँ आज, लेकिन थोड़ा सा फीवरिश लग रहा है। कल मैंने भी सेकेंड डोज वैक्सीन लगवाई, आई एम नाउ फुल्ली वैक्सीनेटेड, तो इस वजह से थोड़ा सा शायद हरारत सी हो रही है या कुछ पूरे बॉडी में टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है। कोई नहीं, ब्रेकफास्ट करके दवा खा लेंगे, उसके बाद जाएंगे ऑफिस। मिलते हैं आप लोगों से शाम को ऑफिस से वापस आके। 2000 years later तो गाइस मैं ऑफिस से वापस आ गया था, हेलमेट पे सेटअप हो गया है, मैंने अपने रेड वाले हेलमेट पे पूरा सेटअप किया हुआ है, मेरा नया माइक आना था वो भी आ गया है, और अब बस नीचे जा करके बाइक पे एक बार टेस्ट राइड करके देखते हैं कि मेरी आवाज़ कैसी आ रही है। अगर आवाज़ सही आ गई ना तो कसम से सारी मेहनत और इतना दिमाग और टाइम जो वेस्ट हुआ है उस चीज़ पे वो पूरा वसूल हो जाएगा। तो अभी बस नीचे जा रहे हैं, टेस्ट राइड करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि आवाज़ सही आ रही है कि नहीं। A few inches later. Okay, तो बाइक स्टार्ट तो कर लिया मैंने और वाइजर भी नीचे कर लिया है मैंने, बस होपफुली आवाज़ सही आ जाए यार, वरना बड़ा प्रॉब्लम होता है you know? इतना मैं सेटअप करने के लिए मुशक्कत करता हूँ, मेहनत करता हूँ, और जब रिजल्ट नहीं आता है तो बुरा लगता है यार अपने को। आई गेस सही रिजल्ट आएगा आपकी बार। थोड़ा स्पीड अप करके भी देखूँगा कि चीज़ें कैसी जा रही हैं, आवाज़ सही आ रही है कि नहीं। हटो डॉगी, हाँ हट जाया करो जब मैं आऊँ तो। इधर जाते हैं क्या? हाँ चलो इधर ही जाते हैं, पता लगेगा। थोड़ा स्पीड अप करके देखते हैं क्या है। तीसरे गियर पे 40, चौथा गियर लग चुका है, पांचवा गियर भी लग चुका है, एंड आई एम ऑन 60। सही है वैसे, हवा अच्छी चल रही है और 60 की स्पीड में भी हूँ मैं। अच्छी खासी स्पीड तो है मेरी, 60 तो है ही है, और पता नहीं आवाज़ बस सही आ जाए यार तो मज़ा आ जाए यार, सारी मेहनत स्वार्थ हो जाए यार। चलो 60 टच तो करा लिया मैंने, अब यहाँ से लेते हैं यू टर्न धीरे से, आगे जाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ लेकिन यू टर्न भी ना थोड़ा ध्यान से लेना है, क्योंकि गाड़ियाँ वाड़ियाँ चल रही है, रात का वक्त है ना, तो लोग ऐसे देखते हैं जैसे मैं कोई शराबी अराबी हूँ। है सीरियसली टाइम कितना हो रहा है? अगर मैं आप लोग को टाइम बताऊँ तो हो रहा है
रात के 10 बज रहे हैं, पुलिस की गाड़ियां भी खड़ी हैं, बहुत ज्यादा ओवर स्पीड करूंगा तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी मेरे को। रास्ता भी थोड़ा रात हो गई है ना, तो अनक्लियर सा है, तो मैं बहुत ज्यादा स्पीड तो नहीं करूंगा, लेकिन बट स्टिल आई एम ऑन 60, तो जो मेरे को टेस्ट करना है वो हो जाएगा। आज ऑगी ने ना बहुत सारी शैतानी करी है, शिल्पी का एक पेड़ है वो उसने जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। मतलब यार शैतानी बढ़ती जा रही है यार बच्चे की, हमारे गलत बात है ना भाई, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। हट जाओ डॉगी। तो हाँ, उसने एक पेड़ उखाड़ के फेंक दिया, फिर वो थोड़ी सी मार खाया हम लोगों से, बच्चा है थोड़ी सी मार खाया, ज्यादा नहीं। वही है, उसको काफी बोला गया, बताया गया कि भाई गलत है ऐसा नहीं करने का, संभल जा जरा। अब देखो वो संभलता है कि नहीं, समझता है कि नहीं। समझाया तो उसको बहुत है, क्या है कैसे है वो देखना पड़ेगा। मैं आ गया हूँ अपनी कॉलोनी में अंदर वापस। अब यहाँ पे करते हैं कैमरे को बंद, ऊपर जाते हैं, फुटेज देखते हैं कैसा आया है। एकदम सही, एक नंबर आवाज आई है, एक नंबर आवाज आई है मेरा। चलो ये मोटो व्लॉग का जो सेटअप है आज कंप्लीट हो गया है। एक मेरे को बस वो लेना है, क्या कहते हैं, सेना, हाँ सेना का कम्युनिकेटर लेना है, ले लेंगे। अभी उसकी सच में रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मेरा कोई सच कोई राइडर कंपेनियन नहीं है जिसके पास सेना हो। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेट्स नॉट गो देयर। फिलहाल आज का प्रोग्रेस ये है कि ऑगी की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी दोपहर में, तो शिल्पी बता रही थी कि उसने उल्टियां करी हैं, तो डॉक्टर से कॉल करके पूछा कि क्या हो सकता है क्या नहीं, तो डॉक्टर ने एक दवा लिख दी थी। मैं दवा शाम को लेके आया ऑफिस से, उसको खिलाया, वो दवा उसको पिलाई, कुछ खिलाया पिलाया, वैसे खा तो रहा था वो, उसके बाद भी उल्टी करने के बाद भी थोड़ी देर रेस्ट लेने के बाद उसने खाया। ही इज़ वेरी एक्टिव नाउ, लेकिन अभी फ़िलहाल वो सो गया है, क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा है तो वो सो चुका है। मैं भी आज बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, क्योंकि शाम को शिल्पी के पेरेंट्स आ गए थे यहाँ पर, तो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना था, फिर उसके बाद हेलमेट में पूरा सेटअप करना था, फिर आपको वही राइड दिखाई, मोटो व्लॉग का सेटअप कंप्लीट हो गया दिखाया, माइक चल गया वो दिखाया। तो बस आज के लिए व्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं बॉस, क्योंकि देखो 11 बज रहा है ना, और मेरे को सुबह उठ के फिर एडिटिंग भी करनी है, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। तो इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। यहाँ तक वीडियो को देखा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, लिव टुडे एंड लव टुमारो। बाय।